माओ ज़ेडोंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का संस्थापक, साथ ही 6.5 करोड़ लोगों का हत्यारा। ऐसा हत्यारा कि केवल एक आम के चक्कर में ही लोगों की जान ले लिया करता। तो आज हिस्ट्रीवुड में हम चाइना के शैतान माओ ज़ेडोंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपने सीट बेल्ट बांध लेते हैं और अतीत की सैर पर चलते हैं। 26 दिसंबर 1893, माओ ज़ेडोंग का जन्म एक ठीक ठाक अमीर किसान परिवार में हुआ। माओ बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, परंतु जब वो 13 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया तथा खेतीबाड़ी में लगा दिया। 14 साल की उम्र में माओ के लिए रिश्ता आया, पर उसने मना कर दिया। वह एक इंटेलेक्चुअल बनना चाहता था और वो अपने पिता को मनाने में सफल रहा तथा पुनः स्कूल जाने लगा। 1911 में चिंग डायनेस्टी को चाइना से उखाड़ फेंक दिया गया। केएमटी पार्टी यानी द नेशनलिस्ट सत्ता में आ गए। इस वक्त माओ हुनान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। माओ को पढ़ना बहुत पसंद था। उसने कई सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ा। जब उसने कार्ल मार्क्स को पढ़ा तो वो उसका दीवाना बन गया। माओ को कम्युनिज्म ने काफी प्रभावित कर दिया। उसने अपनी यूनिवर्सिटी में छात्रों का एक संगठन बनाया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। कम्युनिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसे कुचलने के लिए नेशनलिस्ट सरकार के हेड चेंग काईशेक ने कम्युनिस्टों पर युद्ध का ऐलान कर दिया। 12 अप्रैल 1927 को 10,000 कम्युनिस्टों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगले 3 साल तक ये संख्या 3 लाख पहुँच गयी। चाइनीज सिविल वॉर अब शुरू हो चुका था। उधर माओ ज़ेडोंग को रेड आर्मी का चीफ बना दिया गया। माओ अपने करिश्मा से गरीब किसानों को लुभाने में कामयाब रहा, क्योंकि वैसे ही लैंडलॉर्ड्स वॉरलॉर्ड्स के अत्याचारों से वह परेशान थे और यहाँ कोई उन्हें उनके हक दिलाने की बात कर रहा था। कम्युनिस्टों की संख्या बिजली की तेजी से बढ़ी और माओ ज़ेडोंग एक जाना माना नाम बन गया। नेशनलिस्ट कम्युनिस्टों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे। नेशनलिस्ट द्वारा घेराबंदी को तोड़ने के लिए कम्युनिस्टों ने किया द लॉन्ग मार्च। कम्युनिस्टों ने तोप, गोला, बारूद, फर्नीचर एवं अन्य सामान के साथ बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए नेशनलिस्टों की गोलियों से बचते हुए केवल 1 साल में 10,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया। इस लॉन्ग मार्च में कम्युनिस्टों ने 14 नदियां तथा 18 पहाड़ों को पार किया। ये मार्च इतना खतरनाक था कि 1 लाख में से केवल 8,000 कम्युनिस्ट ही जिंदा बच पाए। इस लॉन्ग मार्च के बाद माओ की पहचान एक कुशल लीडर के रूप में होने लगी तथा उसे कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। माओ ने यनान शहर को अपना अड्डा बना लिया, जहां वो कम्युनिज्म के अनुसार सरकार चलाता। माओ ने लोगों से कहा कि आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप मेरी आलोचना कीजिए जिससे मैं अपने में सुधार कर पाऊंगा। वांग शिवेई नामक प्रसिद्ध चाइनीज राइटर ने माओ को जमकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। फिर हुआ वही जो आप सोच रहे हैं। माओ ने वांग शिवेई की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या करवा दी तथा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कुएं में फिकवा दिया। ये सब तो कुछ भी नहीं था, असली मौत का तांडव तो आना अभी बाकी था। 1937 में जापान ने चाइना पर हमला कर दिया। 2 फ्रंटों पर युद्ध ना करना पड़े, इसलिए नेशनलिस्टों ने कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिला लिया। दोनों मिलकर जापान से लड़ने लगे, जिस कारण कम्युनिस्टों को नेशनलिस्टों से कई सारे हथियार मिले। फिर आया 1945, जापान की विश्व युद्ध में हार हो गई। जापान को चाइना से जाना पड़ा। जापान के जाते ही कम्युनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच सिविल वॉर फिर से शुरू हो गया। नेशनलिस्ट वैसे ही जापान के हमले से कमजोर हो चुके थे, ऊपर से हाई टैक्सेस, लैंडलॉर्ड्स द्वारा किसानों का शोषण के कारण वे लोगों की नजर में खटकने लगे। वहीं कम्युनिस्टों को जोसेफ स्टालिन की ओर से भर भर कर मदद मिल रही थी। 4 साल गृह युद्ध और चला और कम्युनिस्टों ने नेशनलिस्टों को हरा दिया तथा चेंग काईशेक एवं अन्य नेशनलिस्ट लीडर ताइवान भाग गए। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो गई, जिसका सुप्रीम लीडर बना माओ ज़ेडोंग। सत्ता में आते ही माओ ने लैंडलॉर्ड से जमीनें छीन ली, लिटरेसी रेट बढ़ाया, महिलाओं को अधिकार दिए, हेल्थ केयर को भी इम्प्रूव किया।
लोग माओ को हीरो के रूप में देख रहे थे कि देखो इसने जापानियों को भगाया, ऑपरेसर लैंडलॉर्ड्स को हटा दिया, ये तो ऑपरेस्ड तथा शोषित लोगों का मसीहा है। पर ये सब खुशियां केवल थोड़ी देर के लिए ही थी। 1956 में माओ ने 100 फ्लावर कैंपेन चलाया, जिसमें उसने फिर से लोगों से कहा कि आप मुझे एवं कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप बताएं आपको क्या कमी लग रही है वगैरह वगैरह। अब कुछ मूर्खों ने कम्युनिस्टों को क्रिटिसाइज भी कर दिया। होना क्या था, पूरे चाइना में 10 से 20 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया, इस दलील पर कि देखो ये लोग कैपिटलिस्ट हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, राइट विंग है आदि आदि। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स आदि शामिल थे। परंतु अब इससे भी बड़ा कुछ होने जा रहा था, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1958 को माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें डेवलपमेंट की एक बहुत लंबी छलांग लगानी है। अब वो कैसे होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके तथा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा के। चाइना की 2/3 जनसंख्या तो किसान थी, अब अचानक से उन्हें फैक्ट्रियों में स्टील बनाने भेज दिया गया। जीरो एक्सपीरियंस के कारण वो बेकार क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस करते, जिनमें जंग लग जाती, जो कि किसी काम का नहीं था। कई डैम्स वगैरह भी बनाए गए जो कि इतने कमजोर थे कि फट गए। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सारी जमीन सरकार ने छीन ली तथा लैंड का कलेक्टिवाइजेशन कर दिया गया, जिस पर सब लोग एक साथ काम करते, परंतु प्रोडक्शन में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं दिखी। फलस्वरूप कम्युनिस्ट स्पैरोस के पीछे पड़ गए। उन्होंने पता नहीं कहां से डेटा निकाला कि एक स्पैरो एक साल में 3 किलो अनाज खा जाती है, तो सोचो पूरे चाइना में कितनी सारी स्पैरोज होंगी। प्रोडक्शन इसीलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि सारा अनाज तो ये गौरैया खा जा रही है। कम्युनिस्टों ने गौरैया पर ऐलाने जंग कर दी। माओ ने निवासियों को आदेश दिया कि 5 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति को स्पैरोज मारनी है। फलस्वरूप लोगों ने स्पैरोज को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। जो जितनी ज्यादा स्पैरोज मारता उसे उतना ज्यादा सरकार से इनाम मिलता। फलस्वरूप लोगों ने 1 अरब स्पैरोज मार डाली। 1 अरब। अब इतनी सारी स्पैरोज के गायब हो जाने के कारण फूड चेन में गड़बड़ हो गई। टिड्डियों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ गई। टिड्डी आते और सारा अनाज चट कर जाते। जो थोड़ा बहुत बचा खुचा अनाज होता उसे सरकार जबरदस्ती छीन कर ले जाती। लोग भूख से तड़पने लगे, वह कभी मिट्टी खाते तो कभी इंसान। 1962 आते आते 4.5 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। कम्युनिस्ट सत्ता में आए तो ऑपरेस्ड लोगों की मदद करने थे, परंतु उन्हीं के कातिल बन गए। ना इंडस्ट्रियलाइजेशन सही से हुआ, ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा। ग्रेटली फॉरवर्ड ग्रेटली बैकवर्ड साबित हुआ। अकाल और भुखमरी के कारण माओ की लोकप्रियता कम होने लगी, इसलिए उसने इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत पर हमला कर दिया, जिसमें भारत के परम दूरदर्शी नेता की वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा। और उस युद्ध में भारत में बैठे कुछ गद्दारों ने चाइना का साथ दिया था। खैर ये एक अलग स्टोरी है। कम्युनिस्ट पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाती रही कि ये अकाल माओ की वजह से नहीं, नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ है। परंतु एक मीटिंग में माओ के नंबर 2 लुई शाओची ने ये सबके सामने कह दिया कि ये एक मैन मेड फेमाइन था, ये एक ह्यूमन मिस्टेक थी। माओ के ईगो पर लात पड़ गई। अब माओ लुई शाओची से बदला लेने वाला था, परंतु लुई पार्टी में बहुत लोकप्रिय था। माओ उसे ऐसे ही नहीं मरवा सकता था, इसीलिए उसने चलाया द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इन 1965 माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। तो ये था कल्चरल रेवोल्यूशन NCERT की किताब के हिसाब से। असली में कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था वो मैं बताता हूँ। माओ ने अपनी घटती लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए लिखी एक रेड बुक। इस किताब में माओ के विचार एवं कथन मौजूद थे। इस किताब की 1 अरब से भी ज्यादा कॉपीज चीन के युवाओं को बांटी गई। माओ ने युवा लोगों की एक कुख्यात फौज तैयार की, जिसे कहा गया द रेड गार्ड्स।
माओ ने कहा कि ये जितना भी अकाल पड़ा हुआ है ये सब मेरी वजह से नहीं, ये तो चाइना में बैठे बोर्जवाजी लोगों की वजह से हुआ है। उसने रेड गार्ड्स को आदेश दिया कि जहां भी बोर्जवाजी या कैपिटलिस्ट लोग मिले उन्हें तुरंत मार दो। फलस्वरूप रेड गार्ड्स ने अपने ही टीचर्स प्रोफेसर्स को मारना शुरू कर दिया। रेड गार्ड्स आते और टीचरों को पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया करते। कई बार तो टीचरों की हत्या करने के बाद वो लोग उनके ऑर्गन्स निकाल के खा जाते। जी हाँ, सही सुना आपने, और अधिकतर लोग निर्दोष थे, पर माओ को तो केवल अपनी दहशत फैलानी थी। टीचरों के बाद माओ की नजर अपने विरोधियों पर गई। लाखों कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स जिन्होंने कभी माओ का विरोध किया था उन्हें रेड गार्ड्स ने पीट पीट कर मार दिया, तो कईयों को तो लेबर कैंप्स में फेंक दिया। लुई शाओची पर माओ ने गद्दार होने का आरोप लगाया और उसे लेबर कैंप में डाल दिया, जहां उसकी तड़प तड़प के मौत हो गई। अब माओ को वाइस प्रेसिडेंट डेंग शाओपिंग भी कैपिटलिस्ट नजर आ रहा था, क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के फेलियर के बाद उसने माओ को क्रिटिसाइज किया था। डेंग तो किसी तरह भागने में सफल रहा, परंतु उसके लड़के को रेड गार्ड्स ने पेकिंग यूनिवर्सिटी में पकड़ लिया। रेड गार्ड्स ने उसे यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसकी जान तो बच गई, परंतु वो चलने योग्य ना रहा। इसके अलावा कल्चरल रेवोल्यूशन का लक्ष्य था कि चार ओल्ड्स को मिटा दिया जाए। पुराने रिवाज, पुरानी आदतें, पुराने आइडियाज, पुराने कल्चर, जैसे कि धर्म, रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फलस्वरूप रेड गार्ड्स ने कन्फ्यूशियस टेम्पल्स को तोड़ना शुरू कर दिया। नवंबर 1966 को उन्होंने कन्फ्यूशियस एवं उनके वंशजों की कब्रगाह पर हमला कर दिया और वहां तोड़फोड़ की। कन्फ्यूशियस के 76वें वंशज ड्यूक यानशेंग की लाश को कब्र से निकाल कर पेड़ पर लटका दिया। बुद्धिस्ट संतों तथा बुद्ध की मूर्तियां भी गिराना शुरू कर दी। बुद्धिस्ट ग्रंथों को भी जलाया गया, मस्जिदों को भी तोड़ा गया। और यहां मैं एक मिथ क्लियर कर दूं कि चाइना की केवल 15% आबादी ही बुद्धिस्ट है। चाइना एक कम्युनिस्ट एथिस्ट कंट्री है। कल्चरल रेवोल्यूशन के ही दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने माओ को 40 आम गिफ्ट किए। चाइना में आम होते नहीं थे, तो कम्युनिस्टों ने ये प्रोपागेंडा फैला दिया कि ये चीज माओ ने स्वर्ग से मंगवाई है। आम की पूजा होने लगी। एक डॉक्टर हैन नामक डेंटिस्ट ने इस पर सवाल उठाया। उसने कहा कि ये स्वर्ग से लाया गया कुछ नहीं है, बस शटरगंद के जैसा कुछ है। बस इतनी सी बात पर हैन को देशद्रोह के तहत उसका कत्ल कर दिया गया। इस पूरे सो कॉल कल्चरल रेवोल्यूशन में लगभग 20 लाख लोगों की हत्या हुई, जिसमें अधिकतर टीचर्स प्रोफेसर्स थे। अब एनसीईआरटी में जो लिखा है वैसा तो दूर दूर तक असलियत में नहीं है। मुझे तो इन बेचारों पर तरस आता है जो एनसीईआरटी की झूठी किताबों को सच समझ कर पढ़ते हैं। एनसीईआरटी छोड़ो, दी हिंदू को ही देख लो। कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह पर इन्होंने पूरा पेज इनकी तारीफ में छाप दिया, वो भी उस समय जब पूरी दुनिया चाइना को वायरस के लिए गरिया रही थी तथा भारत और चाइना के बॉर्डर क्लैशेस चल रहे थे। और इस द हिंदू को यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। चीन हर साल $10 अरब देशों को डिस्टेबलाइज करने तथा अपनी इमेज चमकाने में खर्च करता है, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चाइना के स्लीपर सेल्स मौजूद हों तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इससे पहले कि हम इस शैतान के अंत की बात करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही रोचक हिस्ट्री वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। माओ ना कभी ब्रश करता था ना नहाता था। माओ के शरीर से एवं मुंह से बड़ी बदबू आती थी, पर कोई कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि जब ये शैतान आम को शटरकंद बताने में ही जान ले रहा है तो आप समझ ही सकते हो। धीरे धीरे माओ की सेहत बहुत खराब होने लगी। वो ना सही से चल पाता ना बोल पाता। और फिर तारीख आई 9 सितंबर 1976, माओ सीधे नरक चला गया।
इस शैतान ने 4 शादियां की तथा इसके 10 बच्चे थे और ये नमूना माओ का पोता है। हमें असली संख्या तो नहीं पता, परंतु कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स तथा इतिहासकारों के अनुसार माओ लगभग 6.5 करोड़ लोगों का हत्यारा था। बाद में माओ के काले कारनामों को डेंग ज़ियाओपिंग ने सुधारा। माओ के गुरु जोसेफ स्टालिन के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।